हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति एंड इन दिस सेशन वी आर गोनाट बी डूइंग द पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पोर्शन तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट एंड दिस इज डे थ्री ऑफ आर संभव सीरीज सो बेसिकली यहाँ पे बात क्या हम लोग करने वाले हैं जैसे कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में अलग अलग टाइप्स की पजल्स होती हैं अलग अलग टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं तो हमें हर एक टाइप को ही यहाँ पे कवर अप करना है तो हम लोग आज बेस से शुरू कर रहे हैं विच इज लीनियर अरेंजमेंट तो लीनियर अरेंजमेंट का आज एक प्रोलिम्स का क्वेश्चन करने वाले हैं एंड देन हम लोग आज एक मेन्स का क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है तो आज ही सेशन में दो क्वेश्चंस रहेंगे प्रिलिम्स और मेंस इसी तरीके से मैं कभी कभी हो सकता है कि दो प्रिलिम्स एक मेंस भी कवर कर दूँ डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चंस की नीड क्या है अगर क्वेश्चंस छोटे हैं तो मैं ज़्यादा करवा दूंगी ठीक है हमारा बेसिक मोटिव ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए ये तो हम कवर कर ही रहे हैं ऑल्सो ये आप जैसे जैसे कि आपको पता है नोटबुक सीरीज से हम लोग कवर करेंगे तो नोटबुक सीरीज में एग्जामिनेशन इंटरफेस रहेगा टाइमर के साथ करेंगे डे थर्टी टू एंड डे फिफ्टी नाइन की आज हम लोग लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स करेंगे एक प्री और एक मेन्स की एंड अगर आपको इसके बाद भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप टेलीग्राम पे जाना टाइप करना ऐट द रेट के काटपाल वहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल उस पर आपको संभव मैगजीन अवेलेबल हो जाएगी उसमें सारे के सारे टॉपिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं तो आप वहाँ से जाके ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ क्लास अटेंड की प्रैक्टिस आप वहाँ से करो तो डेफिनेटली आप वहाँ से जाके मैगजीन डाउनलोड करके उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ओके नाउ विदाउट एनी डिले हम लोग डे थर्टी टू शुरू करेंगे अपनी आ, संभव सीरीज के डे थ्री का लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हम उसी तरीके से करेंगे न्यू इंटरफेस पे करेंगे ठीक है ताकि फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए ओके okay. so we have no yes we have this question and we have 34 14 minutes so we have to do in 14 minutes sabse सबसे पहले aap आप लोग देख लीजिए ठीक है क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा हिंदी वाले देख लो पहले क्योंकि इंग्लिश में तो मैं सॉल्व करवाई दूंगी हिंदी वाले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो ठीक है देख लिया क्वेश्चन तो जैसे जैसे ये बोलता जाएगा ना वैसे वैसे हम करते जाएंगे क्लियर सबसे पहले हमें क्या बोलता है कि एट पर्सन हैं जो कि स्ट्रेट रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से आप बैठे हो उसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी है मतलब आपका राइट right साइड आपके राइट right बनता जाएगा और लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट बनता जाएगा यही अगर उसने बोला फेसिंग साउथ तो उल्टा टर्न हो जाओ राइट right साइड आपकी लेफ्ट बन जाएगी और लेफ्ट साइड आपकी राइट right बन जाएगी मतलब अगर ऐसे देखें सीधा सा देखिए तो राइट साइड लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट साइड राइट हो जाती है अदरवाइज उल्टा होके आप उस तरीके से बैठ के देख लेना कैसे बैठेंगे क्लियर ये बोलता है कि सभी के सभी एक लाइन में बैठे हैं आठ लोग हैं कंजेकेटिव अल्फाबेट्स मतलब एस टी यू ये तीनों कंजेकेटिव एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे एस के साथ टी नहीं आएगा टी एस और यू के साथ नहीं आएगा वी यू और डब्ल्यू के साथ नहीं आएगा डब्ल्यू वी और एक्स के साथ नहीं आएगा तो ये आपस में इकट्ठे नहीं आएंगे वाई सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड वाई जो है एंड से थर्ड पे बैठा है तो यहां पर आठ लोग बना लेस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस बोर्ड बट वॉट कैन बी डू ठीक है आठ लोग हमने बना लिए अब क्या बोलता है वाई सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड वाई जो है एंड से थर्ड पे बैठता है तो यहां से लेफ्ट एंड से अगर मैं थर्ड पे बोलूं तो वन टू थ्री वाई यहां पे बैठ जाएगा राइट right एंड से अगर मैं बोलूं तो वन टू थ्री वाई यहां पे बैठ जाएगा आगे क्या बोलता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू और वाई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है तो W और Y के बीच में अगर एक ही पर्सन है तो वो राइट right में भी आ सकता है लेफ्ट में भी आ सकता है यानी W यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है सिमिलरली W एक पर्सन छोड़ के यहां पर भी आ सकता है एक पर्सन छोड़ के यहां पर भी I'm so सॉरी इधर तो आया ही है इधर भी आ सकता है ठीक है क्लियर है सबको उसके बाद बोलता है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड एस वाई और एस के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है तो लेफ्ट में भी एक छोड़ के आ सकता है और right राइट में भी एक छोड़ के आ सकता है सिमिलरली लेफ्ट में भी एक छोड़ के आ सकता है राइट right में भी एक छोड़ के आ सकता है इस पोजिशन पे आगे क्या बोलता है जेड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स जो पर्सन एक्स के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है इसके इमीडिएट राइट right में कौन बैठा है Z बैठा है इमीडिएट राइट right तो यही हुआ ना ये लेफ्ट हुआ ये राइट right हुआ इमीडिएट राइट right में Z बैठा है ठीक है आगे बोलता है नीदर X नॉर Z इज सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड ना तो X ना ही Z किसी एंड पे बैठे हैं मतलब यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आएंगे ही आएंगे आगे पीछे इनके द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट टू द टी जितने टी के लेफ्ट में बैठे हैं वो एक कम है किससे जितने Z के राइट में बैठे हैं तो अगर मान लो Z के राइट में दो लोग हैं तो T के लेफ्ट में एक हो जाएगा वन कम है ना Z के राइट में तीन लोग हैं तो T के लेफ्ट में दो हो जाएंगे तो इसको आप लिखोगे कैसे T के लेफ्ट में जितने हैं वो Z माइनस वन है इस तरीके से क्लियर v sits adjacent to neither w nor x w और x के पास तो बैठा ही नहीं है यानी v हमारा w या x का नेबर नहीं है ठीक है इतनी हमें अरेंजमेंट दी हुई है और इस अरेंजमेंट को अब हमने पूरा करना है सबसे पहले देखो z और x हमारे पास एडजसेंट पोजीशंस पे आने चाहिए तो यहां तो नहीं आ सकते यहां भी नहीं आ सकते यहां भी नहीं आ सकते Osionfish. इन तीनों पोजीशन में से किसी में आएंगे यहां से देखूं इधर नहीं आ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी पोजीशन फिल्ड है इधर भी नहीं आ सकते इधर भी नहीं आ सकते इधर नहीं आ सकते ना तो इन तीन पोजीशंस में कहीं पे आएंगे क्लियर और हमें बोला गया है कि z से पहले भी एक बंदा है और x के बाद भी एक बंदा है z से पहले एक बंदा अगर मैं डालना चाहूं तो z से पहले एक बंदा आ जाएगा और x के बाद एक बंदा आ जाएगा क्लियर अब एक्स के बाद एक बंदा आना चाहिए और जेड से पहले एक बंदा आना चाहिए क्या आपको इतना समझ में आ रहा है ठीक है आगे देखो क्या बोलता है ये हमने यूज कर लिया W इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ वी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ W और एक्स वी हमारा यहाँ तो नहीं आ सकता और वी हमारा X का नेबर नहीं है तो यहां भी नहीं यहां तो वैसे भी नहीं आ रहा था W के साथ भी नहीं आएगा ठीक है टी uh, से लेफ्ट में जितने बैठे हैं वो एक कम है जेड से राइट में जितने बैठे हैं जेड से राइट में दो कम है तो टी के लेफ्ट में कितने होंगे एक एक कम है ना जेड की राइट में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टी की लेफ्ट में कितने होंगे सिक्स माइनस वन एस फाइव वन टू थ्री फोर फाइव टी यहां पे नहीं आ सकता तो ये वाला पूरा केस हमारा कैंसिल आउट हो जाता है हम इस केस में कंटिन्यू करेंगे ठीक है हमेशा दो केसेस लेके चला करो ये केस में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अब हमारे पास कौन सी कंडीशन है ये भी मैंने कर लिया ये भी मैंने कर लिया ये वाली कंडीशन बची है हमारे पास V यहाँ नहीं आ सकता यहां यहां भी नहीं आ सकता तो V के लिए ये पोजीशन बच गई ओके एंड W और X का नेबर नहीं है ठीक है W और X का नेबर नहीं है तो W यहां नहीं डालते यहाँ पे S डाल देते हैं यहाँ पे W डाल देते हैं कोई प्रॉब्लम अगर मैं मान लो W को यहाँ डाल देते तो V तो यहाँ आ ही नहीं सकता और जबकि V के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बच रही है तो इट्स बेटर कि आप W को यहाँ ना डाल के W को इधर डाल दो और S को इधर डाल दो हमारे पास बचता कौन कौन है S T U नहीं आया तो U यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारी पूरी की पूरी अरेंजमेंट बन गई है आई होप आप सभी को समझ में अच्छे से आ गई होगी अब हम लोग इसके बेटर है कि क्वेश्चन यहीं पर कर लें टाइमर बचा होगा सात मिनट पढ़ें कर सकते हैं

W is related to Y, V is related to Z, then who among the following is related to X? In में से कौन सा X से related करता है? W किस से related है? Y से? W किस से related है? Y से? W Y से related है और V किस से related था? V is related to Z. V Z से रिलेटेड है ठीक है इन दोनों के बीच का अगर आप रिलेशन देखना चाहोगे तो W के सेकंड टू द राइट में Y आ रहा है और V के सेकेंड टू द राइट में Z आ रहा है तो हमें यहां पे किसका बताना है S का रिलेशन बताना है क्या देन हु इज रिलेटेड टू X? X किसके साथ रिलेटेड है तो X किसके साथ रिलेटेड है मतलब X किसकी सेकेंड टू द राइट में आ रहा है X किसकी सेकेंड टू द राइट में आ रहा है ये बता दो किसकी सेकेंड टू द राइट में आ रहा है एस की सेकेंड टू द राइट में आ रहा है तो यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए अगला देखो फोर अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न इन अ सर्टेन वे हमें ऑड वन आउट निकालना है टी वाई वी एस यू टी वाई वी एस यू निकालना है। तो टी वाई वी एस और यू ध्यान से देखो ये चारों इकट्ठे बैठे हैं यू बैठा है तो ऑड वन आउट कौन हो जाएगा यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रिलिम्स का सेट वट इज द पोजिशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू यू वी की पोजीशन यू से बताने है तो हमें यू से वी की तरफ जाना पड़ेगा यू से हम वी की तरफ जाएंगे तो वन टू थ्री फोर पे आए लेफ्ट आए और कितनी पोजीशंस तक आए हम लोग चार पोजीशंस तक आए दैट मीन्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर डी ये हमारा प्रिलिम्स का सेट हो चुका है यहां पे, अब हम लोग करने वाले हैं मेन्स का एक सेट विच इज फ्रॉम डे फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन का हम लोग करेंगे तो ओके फिफ्टी नाइन में अवेलेबल है आई होप आपको पहला सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है वी हैव इन द मेन सेट राइट तो मेन्स के लिए हमें सेक्शनल सबमिट करना पड़ जाएगा यहाँ पे यस दिस इज द क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है और लेटर्स गिव यू समाइम टू रीड द क्वेश्चन हम लोग आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं एक बार हिंदी वाले जो हैं वो प्लीज ना इसका स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही करने वाले हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम ना आए आई होप आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा ठीक है, शुरू करें इसको उससे पहले लेट मी क्लियर दिस आउट ओके okay. क्वेश्चन में क्या बोलता है यहीं से देखेंगे एट पर्सन हमारे पास हैं, जो कि अटेमट करना पड़ेगा जो कि लीनियर रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग करके बैठे हैं डिस्टेंस दोनों के बीच का एडसेंट पर्सन के बीच का कंजेकेटिव इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सेवन सेंटीमीटर मतलब क्या है कि दो पर्सनस के बीच में सेवन सेंटीमीटर के मल्टीपल्स में होंगे यानी कि कंजेकेटिव मल्टीपल्स मतलब एक से दूसरे के बीच में सात सात से बढ़ता जाएगा सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट इस तरीके से दो एडेंट पर्सनस के बीच में फिफ्टी सिक्स मीटर से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता ध्यान दो आपको पता है कि 56 meters, यानि कि फिफ्टी तो ज़्यादा से ज्यादा हम एट मल्टीपल तक जा सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, राइट? इत, यहां तक ही हमें जाना है उनके अलग अलग डिफरेंट लकी नंबर्स हैं और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो यहां पे देखो सबसे पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट बिठा लेते हैं इसका अरेंजमेंट कैसे बिठाएंगे हमारे पास आठ लोग हैं uh. अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो अगर मैं सात से शुरू करती हूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव फोर्टी टू फोर्टी नाइन एक केस तो ये बन जाएगा अगला केस आप फोर्टीन से शुरू कर दो क्योंकि फिफ्टी सिक्स आपके पास केस बन सकता है ना फिफ्टी सिक्स तक जा सकते हैं ना तो उल्टा चला लो चाहे इसको तो ये हमारे पास दो केसेस आ गए जो बन सकते हैं हमारे एट पर्सन के सीटिंग अरेंजमेंट के इन दोनों के बीच में इतना इतना डिस्टेंस हमारे पास बन सकता है ठीक है आगे देखो क्या बोलता है द वन हुज लकी नंबर इज थर्टी थ्री सिक्स सिक्सटी थ्री मीटर टू द लेफ्ट ऑफ डी डी के सिक्सटी थ्री मीटर लेफ्ट में बैठा है सिक्सटी मीटर का आप वो कर लो एडिशन uh, कर लो कैसे कैसे हो सकता है सिक्सटी मीटर्स अगर मैं ऊपर में देखूं, तो ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी वन एंड फोटीन सिक्सटी थ्री बन जाएगा ना ये हो जाएगा फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव और इन तीनों का सिक्सटी थ्री बन रहा है मतलब हमारे पास यहाँ पे डी अगर यहाँ आ रहा है तो लकी नंबर वाला कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा ऐसे ही आएगा और सिक्सटी थ्री हमारे पास कैसे बन सकता है ट्वेंटी एट प्लस थर्टी फाइव इज ऑल्सो सिक्सटी थ्री तो एक केस हमारे पास ये बन रहा है केस बना लेती हूँ यहाँ पे मैं देखो कि अगर डी हमारे पास इधर आ जाए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सिक्सटी थ्री और थर्टी थ्री वाला यहाँ आ जाएगा लक्की नंबर वाला दो केसेस हमारे पास बन गए ना ये डी को हम ऊपर भी लिख सकते थे बट फॉर इट उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फोर्टीन ट्वेंटी वन और ये वाला केस बन सकता है सिमिलर केस दोनों में बनेगा थोड़ा सा और देख लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द एडजस्टिंग पर्सन ये हमने पढ़ लिया था द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज सेम एज टू टू द राइट ऑफ एफ जितने डी के लेफ्ट में बैठे हैं उतने ही एफ के राइट right में हैं अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो वन टू थ्री फोर यानी कि एफ के एफ के राइट right में भी फोर होने चाहिए वन टू थ्री फोर एफ हमारा यहाँ आ सकता है ब्लू वाली पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तो एफ हमारा यहाँ पे आ सकता है ये ब्लू और पर्पल अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है थीके? अब हम पर्पल वाली पॉसिबिलिटी अगर बनाएं तो इधर देखना अगर मैंने डी यहां रखा तो उसके लेफ्ट में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव यानी वन टू थ्री फोर फाइव एफ हमारा यहां आ सकता है यही बोला गया था ना ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी इज डिविजिबल बाय फाइव एफ और डी का डिस्टेंस डिविजिबल बाय फाइव होना चाहिए अगर मैं कंसीडर करती हूं किसको एफ़ और डी को तो इनके बीच का डिस्टेंस ट्वेंटी एट बन रहा है दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय फाइव अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ट्वेंटी हमारे पास कितना आ रहा है थर्टी फाइव ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है मेरे पास फोर्टी नाइन एंड थर्टी फाइव दिस इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय फाइव राइट ये भी डिविजिबल बाय फाइव नहीं हो रहा ना तो ये तो बन ही रहा हम लोग नेक्स्ट में बना के देख लेते हैं अगर मैं यही वाला केस मैंने डी को यहाँ रखा था डी और एफ़ का एक बार बना के देखते हैं ठीक है ब्लू वाला डी और ये वाला एफ और उसके बाद नहीं नहीं वन टू थ्री तो वन टू थ्री एफ़ हमारा यहाँ आना चाहिए इस केस के अकॉर्डिंग दूसरे केस के अकॉर्डिंग मैंने डी रखा था थर्टी फाइव और फोर्टी टू के बीच में तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एफ हमारा यहाँ आना चाहिए यही आ रहा है ना तो यहाँ पे ये वाले दो केसेस हमारे पास बन रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम लोग इन दो केसेस को ही कंटिन्यू रखें और ये वाला केस थोड़ा सा इरेज कर देते हैं दो केसेस ही हम कंटिन्यू रखेंगे ठीक है उसके बाद फिफ्टी सिक्स दो केसेस हैं तो एक ऊपर रख लेते हैं ठीक है दोनों के बीच का डिस्टेंस डिविजिबल बाय फाइव हमारे पास आ रहा है ओके यहां तक कर लिया आगे क्या बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एच इज हंड्रेड एंड फाइव सी और एच के बीच का डिस्टेंस 105 है तो 105 अगर मैं यहाँ से बना के देखूँ तो कन्जेकेटिवली बनना चाहिए यहाँ से बन रहा है 105 और इधर से भी नहीं बन रहा है इधर से भी नहीं बन रहा है यह बन रहा है फोर और टू 105 तो यहाँ से भी बन रहा है ना 35 28 एट एंड फोर्टी टू एज सेवेंटी सेवेंटी और यहाँ से भी बन रहा है ये तीन से भी बन रहा है यानी कि दोनों केसेस में रहेगा उसने क्या बोला है सी और एच का डिस्टेंस 105 है और एच ना तो डी के पास है ना ही एफ के पास है तो अगर मैं इधर से देखूं तो सी और एच यहाँ पे आ सकते हैं और इधर से देखूं तो सी और एच यहां पे आ सकते हैं और उसने क्या बोला हमें कि एच जो है ना तो डी के पास है ना एफ के पास है तो मतलब जो मैं ये वाला केस बना रही हूं सी और एच का तो H ना तो D के पास है ना F के पास है तो H यहां नहीं लग सकता यहां नहीं लग सकता तो ये वाला केस तो कैंसिल ही हो गया ना C और H का ये वाला केस ये आ ही नहीं सकता बिकॉज C को H को डाल डाल लो लो H दोनों पास में ही लग रहे हैं ना एक दूसरे के तो ये वाला केस नहीं बनेगा एक ही केस हमारे पास बच रहा है सी और एच का कौन सा फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी सिक्स वाला क्लियर हमें नहीं पता कौन किसके पास आएगा या पता है अच्छा उसने बोला एच पास में नहीं है तो सी यहां लगा सकते हैं और ठीक फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी सिक्स ठीक है आगे क्या बोलता है थर्टी थ्री वाला रह गया था ना दन लकी नंबर इज थर्टी थ्री इज सेट सिक्सटी थ्री मीटर लेफ्ट टू डी सिक्सटी थ्री मीटर लेफ्ट टू डी मतलब इसका सिक्सटी थ्री बन रहा है तो थर्टी थ्री वाला यहां आ जाएगा और uh, थ्री यहां से बन रहा है क्या? यहां से भी बन रहा है तो ये थर्टी थ्री आ जाएगा ठीक है आगे क्या बोलता है तो वाले के lucky number को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं इसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आएगा फिफ्टीन वाला एफ लकी नंबर इज थ्राइज द लकी नंबर ऑफ डी एफ का जो लकी नंबर है वो डी के लकी नंबर का तीन गुना है द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड बी जी और एफ के बीच में जितने पर्सन है उतने ही एफ और बी के बीच में है लकी नंबर ऑफ जी इज टू मोर देन डी जी का जो लकी नंबर है डी से दो ज्यादा है आगे बोलता है दन लकी नंबर इज नाइन डज नॉट सिट एट देंट टू दुज लकी नंबर इज फिफ्टीन तो नाइन और फिफ्टीन वाले एक दूसरे के साथ में नहीं आएंगे लकी नंबर ऑफ ई इज टेन लेस देन सी जो ई e का लकी नंबर है वो सी के लकी नंबर से दस कम है यही बोला तो यहां पे ध्यान दो हमें लकी नंबर्स दे रखे हैं ना सबके हमें सबके लकी नंबर्स दिए हुए लकी नंबर्स हमारे पास कितने थे ये वाले थे ना सेवन नाइन मैं लिख लेती हूं फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी थ्री फोर्टी टू मुझे टेस्ट ही रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा टाइम ओवर हो गया यही था ना तो यहाँ पे लकी नंबर अगर मैं देखना लकी नंबर्स देखना उसने बोला जो है D का thrice है 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 का तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका multiple, third multiple यहाँ पे चाहूंगा नहीं है 15 threes are 45 भी नहीं है तो इसका प्रॉबेबल आंसर क्या बनेगा कि एफ का लकी नंबर ट्वेंटी वन बन जाए और डी का सेवन बन जाए F का 21 and D का 7? Clear? सेवन ट्वेंटी वन कैंसिल आउट हो चुका है जी का जो लकी नंबर है डी का दो प्लस है तो डी का सेवन है तो जी का नाइन हो जाएगा जी का नाइन हो जाएगा तो इसको यहां लिख लेते हैं उसके बाद ई e का लकी नंबर सी से दस कम है तो दस कम वाला मुझे एक के दिख रहा है ट्वेंटी एट एंड एटीन इसको रिज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा पहले लेट दिस बी प्रोसेस्ड इट इजिंग attempt कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे E और C के बीच में 10 का गैप सिर्फ मुझे इसमें ही दिख रहा है यानी कि E का हो जाएगा 28, एट एंड सी का हो जाएगा सॉरी C का हो जाएगा 28, एट एंड ई का हो जाएगा 18, ठीक है क्लियर है यहां तक सबको समझ में आ रहा है सी ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे ट्वेंटी एट लगा देती हूँ एच के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था ट्वेंटी थर्ड टू द लेफ्ट में फिफ्टीन है तो ट्वेंटी वन से वन टू थ्री आ जाओ फिफ्टीन आ जाएगा ट्वेंटी वन से वन टू थ्री आ जाओ फिफ्टीन आ जाएगा ये हो चुका है जो हो गया वो मैं कट कर देती हूँ नाइन और फिफ्टीन एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे तो नाइन वाला यहां नहीं आएगा नाइन जी था ना मेरे पास नाइन वाला यहां नहीं आएगा एच के ऊपर नाइन नहीं आ सकता तो नाइन वाला यही आ सकता और जी था नाइन पे क्लियर नाइन वाला फिफ्टीन के साथ नहीं आ सकता तो बचा कौन सा यहां पे यहां जी आ जाएगा क्लियर ये भी कैंसल आउट कर देते हैं ये भी कर देते हैं आ, बचा जी एफ एफ बी जी एफ और एफ बी बचा हमारे पास जी और एफ के बीच में कितने लोग हैं जी और एफ के बीच में दो लोग हैं तो एफ और बी के बीच में भी दो लोग हो जाएंगे जी और एफ के बीच में एक पर्सन है तो एफ और बी के बीच में भी एक पर्सन आ जाएगा क्लियर हो गया फिफ्टीन हमने किसको दिया था हमने किसी को नहीं दिया एटीन यूज़ हो चुका है ट्वेंटी एट यूज़ हो चुका है थर्टी थ्री फिफ्टीन एंड फोर्टी टू हमारे पास बचा है यही बचा ना आ, और कुछ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ लेट मी सी ये हो चुका है एंड बच कौन कौन रहा है ए बच गया ई e बच गया ई e का हमने एटीन ऑलरेडी लगाया है ना तो एटीन गया कहाँ पे फिर एटीन अभी तक नहीं लगाना और अगर मैं इस वाली सिचुएशन में देखूँ इस वाले में देखूँ तो एटीन की जगह एटीन की जगह मेरे पास आई नहीं रही क्योंकि यहाँ बी आ चुका है यहाँ पे एच एटीन की जगह आई नहीं रही यहाँ देखो तो एटीन की जगह आ रही है यहाँ पे ई आ सकता है क्लियर बच्चा कौन ए ए का लकी नंबर थर्टी थ्री हो जाएगा एच बच गया एच का हमने कितना निकाला जो बच गया वो एच का हो गया फोर्टी टू ये केस में मैं नहीं लगा पा रही तो ये केस आप कैंसिल आउट ही कर दो हमारा ये केस एकदम सही बना है इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स करेंगे सबको क्लियर है एक बार ये देख लो फिर थोड़ा सा ना मैं इसको इरेज करूंगी जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है बिकॉज क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है आई होप इट्स परफेक्ट ठीक है मैं स्टार्ट कर दूं इसको क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने किया है यही वाला था ना तो ये क्वेश्चन बचा हुआ है मेरा भी यहाँ पे ये रहा इतना बचा है ठीक है ये वॉकिंग वाला तो इसको हम ना थोड़ा सा जो अननेसेसरी है उसको इरेस कर देते हैं एंड बिकॉज पता नहीं ना ऊपर नीचे कितना हमें बनाना पड़े ओके okay? क्या बोलता है जी वॉक्स ट्वेंटी मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जी अपने पोजीशन से बीस मीटर नॉर्थ जाता है एंड अ लेफ्ट टर्न नॉर्थ जा रहा है अ लेफ्ट टर्न उसने लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक्स फॉर मीटर ले रीचे जी डैश फिफ्टी मीटर जाता है तो ये जी है यहां देखो जी और सी के बीच में फोर्टी नाइन मीटर्स का गैप है तो यानी ये तो जो सी है सी को भी क्रॉस कर जाएगा और सी से एक मीटर आगे चला जाएगा क्योंकि यहां तक तो फोर्टी नाइन ही था ना एक मीटर और गया यहां पे उसको कौन मिल गया जी डैश मिल गया क्लियर एफ वॉक्स फॉर फोर्टी मीटर टू हिस्स राइट एफ जो है मीटर अपने राइट पे चलता है 40 to his right. सीधा राइट जा रहा है ना एंड टुक अ राइट टर्न तो यहां से अगर मैं फोर्टी मीटर जाऊं तो एफ और डी के बीच में थोड़ा सा कलर देख लेती हूँ ब्लू ले लेते हैं देखो एफ और डी के बीच में नहीं आया क्या ओके okay. एफ और डी के बीच में 35 फाइव मीटर्स है तो 35 तो मैं राइट गई मान लो ये वाला पॉइंट एफ का है 35 तो मैं राइट गई लेकिन फाइव मुझे और जाना पड़ेगा यानी इस 42 में से मैं फाइव और यूज़ कर रही हूँ मैंने फाइव और यूज़ किया तो मैं कितना चली गई 40 मीटर्स 40 मीटर सीधा गई और मैंने क्या लिया राइट लिया अब देखो मैं ऐसे जा रही हूँ मुझे राइट लेना तो मेरा राइट इस साइड आएगा ना राइट right इस साइड आएगा ना तो मैंने राइट right टर्न कर लिया राइट टर्न करके मैं कितना चली हूं टेन मीटर और मैं एफ डैश पे पहुंच गई एच वॉक्स फॉर फिफ्टीन मीटर टूवर्ड साउथ एच जो है फिफ्टीन मीटर साउथ जाता है तो ये एच है फिफ्टीन मीटर साउथ जाएगा और राइट टर्न एंड वॉक फॉर हंड्रेड एंड फाइव आप साउथ में जा रहा है राइट right टर्न इधर को लेगा कंसिडर करो मैसेज राइट टर्न मेरा इधर को आएगा ना राइट right टर्न इधर को आएगा मैं कितना चलती हूँ 105 एंड फाइव मीटर्स तो हंड्रेड एंड फाइव फोर्टी और फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एंड फाइव हो जाता है तो ये हंड्रेड एंड फाइव गई और मैं कहा पहुंच गई सी के पैरलर पहुंच गई यहां उसको मिला एच डैश e walks for 49 meters towards east अब ये भी ना चला जाए डर लगता है मुझे तो e walks for 49 meters towards east 49 जाता है तो 21 यहाँ से गया 28 49 हो गया e का प्लेस ये है 21 यहाँ से गया 28 यहाँ पे f तक पहुँच गया ना 49 meters कहाँ जाता है ईस्ट में जाता है यहाँ मान लो ये e का पॉइंट है 49 मीटर ईस्ट में गया एंड देन took a left turn लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट ऊपर को जाएगा लेफ्ट टर्न उसने लिया एंड वॉक्स फॉर ट्वेंटी मीटर तो ये देखो इसको यहाँ से ले लेती हूँ मैं ये E 49 नाइन मीटर्स गया ये इसी की पोजीशन है यहाँ से वो 20 मीटर्स चला गया ऊपर एंड रीच E ई ये भी 20 मीटर्स ये भी 20 मीटर्स दोनों एक ही सेम पैरल लाइन पे आ जाएंगे ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन था एक बार आप इसको अच्छे से देख लो कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा मैंने किस तरीके से बनाया है आई होप इट इज क्लियर क्वेश्चन करें अब हम लोग पहला क्वेश्चन क्या बोलता है वॉट इज द लकी नंबर ऑफ ए हमने थर्टी थ्री निकाला था तो ऑप्शन नंबर डी वट इज द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ई डैश विद रिस्पेक्ट टू जी डैश ई डैश और जी डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है ई e डैश और जी डैश के बीच का देखो यहां मैं एफ पे पहुंची थी इधर से इतना गिन लो थर्टी फाइव तो मैंने गिना और इस फोर्टी टू में से फोर्टी टू में से ना हाँ, यस इस फोर्टी टू में से मैं एक सेंटीमीटर ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ तो यानी कि बचा कितना ये डिस्टेंस फोर्टी वन तो इसका कितना आ गया 76 सिक्स सेवेंटी सिक्स और ई e डैश से हम जी डैश पे जा रहे हैं ईस्ट में 76 76 मीटर वेस्ट जी डैश से पूछा था तो 76 मीटर वेस्ट आ जाएगा ठीक है जी डैश से अगर मैं ई e डैश पे जाऊं तो मुझे सेवेंटी सिक्स मीटर्स जाना पड़ेगा वट इज द डायरेक्शन ऑफ जी डैश विद रिस्पेक्ट टू सी जी डैश हमारा कहां पे है जी डैश और ये हमारा सी है तो सी से अगर मैं जी डैश पे जाऊंगी तो मैं नॉर्थ जा रही हूं और नॉर्थ जाके वेस्ट जा रही हूं सबसे पहले मैं नॉर्थ जा रही हूं फिर मैं नॉर्थ से वेस्ट जा रही हूं तो मैं कहां जा रही हूं नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर पी वट इज द पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए की पोजिशन बताओ लेफ्ट एंड से तो लेफ्ट एंड यह ना वन टू थ्री ए की पोजिशन है थर्ड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वट इज द टोटल डिस्टेंस बिट्वीन ए एंड डी वेरी सिंपल क्वेश्चन ए और डी के बीच का टोटल डिस्टेंस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी फाइव कितना हो जाएगा सिक्सटी थ्री ऑप्शन नंबर सी ये हमारे आज के पांच क्वेश्चंस थे इस मेंस लेवल सीरीज के एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन जिसमें हम लोगों ने एक प्री एक मेंस लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट किया नेक्स्ट uh, सेशन में आपको जैसे कि पता है जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं टॉपिक वाइज वही मैं चलाऊंगी ऑल्सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो उसके अलावा वी ऑल्सो हैव टेस्ट ऑन अ वेबसाइट ये टेस्ट हमारी वेबसाइट पे है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो मॉक टेस्ट आपके पास अभी नहीं लिए हुए आपने परचेज़ नहीं किए हुए तो आप जस्ट अडी नीति डॉट कॉम पर जाके टेस्ट चेक कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आर आर बी का निकला हुआ है आर आर बी के मॉकटेस्ट मौ, पर जाते हो तो खास बात हमारी वेबसाइट की ये है कि हम लोग इस साल के तो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं पिछले दो साल के भी दे रहे हैं जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी टू के यहाँ पर अवेलेबल है ट्वेंटी ट्वेंटी वन के भी है ट्वेंटी ट्वेंटी के भी है फ्री मॉकटेस्ट दे के देख लेना लेवल का पता चल जाएगा इंटरफेस यही है तो 60 प्रीलिम्स फुल लेंथ 60 सेक्शनल एंड 30 मेंस लेवल मॉक टेस्ट इतने मॉक टेस्ट हैं कि आपको खत्म ही नहीं होंगे किसी और वेबसाइट से लेना ही नहीं पड़ेगा ठीक है तो एक बार जरूर जाके चेक कर लेना दोनों पे अवेलेबल है वेबसाइट पे भी ऐप पे भी एंड बाय uh, ही रहेगा एग्जामिनेशन इंटरफेस है क्वालिटी आपने देख ही ली है सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप यू विल मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे स्टेट्यून गुड लक स्टे हैप्पी एंड बाय बाय